heading that is called trachea. That is trachea. In this, write down first point. Trachea is a tubular structure. Trachea is a tubular structure which is commonly called windpipe. Which is commonly called windpipe. अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं ट्रेकिया की, तो यहां पर दो क्वेश्चंस बनते हैं. फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन आता है कि इन ह्यूमन बीइंग ट्रेकिया इज नॉन कोलेप्सिबल इन नेचर. इन ह्यूमन बीइंग ट्रेकिया इज नॉन कोलेप्सिबल इन नेचर. दैट मींस ये जो पाथवे है, ये जो ट्रेकिया है, ये कोलैप्स नहीं करता, ये ब्लॉक नहीं होता. उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन है कि ट्रेकिया इज लाइंड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज. ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट होते हैं? सी शेप्ड कार्टिलेज को हम इनकम्प्लीट रिंग शेप्ड कार्टिलेज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो ट्रेकिया इज लाइंड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज ट्रेकिया के पाथवे को कोलैप्स नहीं होने देते. क्लियर ये पॉइंट? अदरवाइज इस पाथवे में मसल्स नहीं होती. अगर रिंग्स नहीं होंगी और ये ब्लॉक हो गया, तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, और विदाउट रेस्पिरेशन वी कांट सर्वाइव फॉर इवन अ सेकेंड ऑल्सो. क्लियर दिस पॉइंट? सेकेंड पॉइंट, ट्रेकिया जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसकी जो लाइनिंग होती है, यहां पर जो सेल्स की लाइनिंग होती है बच्चों, उसमें सीलिया प्रेजेंट होते. क्या प्रेजेंट होते हैं? इस एपिथेलियम का नाम पूछा जाता है. अच्छा, सीलिया का फंक्शन क्या होगा? बोलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया? एनीवन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया इन ट्रेकिया? नहीं, कुछ और. फूड? क्या चाह रहे हो? नो, ट्रेकिया में जो सीलिया प्रेजेंट हैं, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन जो हमारे नेजल कैविटी में हेयर सेल्स और म्यूकस सेल्स करती थी. क्या करती थी? दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ. अब डस्ट पार्टिकल यहां कैसे पहुंचे? जो लोग माउथ से ब्रीदिंग करते हैं, किससे ब्रीदिंग करते हैं? कई लोगों को देखा होगा आपने, अपने घरों पे भी ऑब्जर्व किया होगा, कुछ लोग जब सोते हैं ना, तो वो माउथ ओपन रह जाता है उनका. उनको मोस्टली माउथ से ब्रीदिंग होती है, ठीक है? या फिर जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, या नेजल ब्लॉकेज होता है, या साइनोसाइटिस होता है, या साइनस ब्लॉकेज होता है, कुछ भी डिसीज हो, अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है, तो दे परफॉर्म माउथ ब्रीदिंग. क्लियर ये पॉइंट? उस ब्रीदिंग में डस्ट पार्टिकल्स को आपके नेजल ट्रैक्ट के हेयर सेल्स नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल कौन रोकेगा? सीलिया, जो कहां प्रेजेंट है. बड़ा छोटा सा नाम है इस एपिथेलियम का, लिख रहा हूं, याद रखना, ठीक है ना? इट इज कॉल्ड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड
सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। अब बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम में आता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। ना तुम्हें ये याद रहता है ना तुम्हें ये याद रहता है, ठीक है ना। तो पहले हमें ये याद रखना है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। एनीवन जिसने नाइन्थ में अच्छे से पढ़ाई की हो इस वर्ड्स को कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? मैं कब कह रहा हूं कि तुम्हारा नाम है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। बट हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस टर्म, बोलो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस टर्म, व्हाट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम? अच्छा व्हाट इज कॉलमनर एपिथेलियम? कुछ नहीं जानते तुम लोग, गधे हो तुम लोग। तुम बेटा सबने ऑनलाइन पेपर दिया है नाइन्थ में, कोई बात नहीं समझ गया मैं। ये एपिथेलियल टिश्यू है जो कॉलम लाइक होता है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो कॉलम लाइक होती है। ये हो गया कॉलमनर एपिथेलियम, क्या हो गया ठीक है। अब इसमें सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया मतलब समझते हो? यस सर, तो बोल दिया। क्या होते हैं सीलिया? व्हाट इज सीलिया? व्हाट इज सीलिया? What is cilia? What is the composition of cilia? Ninth की cell biology में था। चलो सुनो, ये cilia present है, ये columnar epithelium है, इसका नाम हो गया ciliated columnar epithelium। Stratified का मतलब होता है layers में arrangement, किस में arrangement? Layer wise। अब देखो यहां पर अगर स्ट्रेटिफाइड वर्ड होता तो हम इसको ऐसे बनाते, ध्यान देना, ये एक लेयर हो गई सेल्स की। जो बच्चे पीछे प्रेजेंट हैं उनको दिखाई दे रहा है, ये दूसरी लेयर हो गई ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, क्या बोलते हैं? ये सीलिया ठीक है, तो ये कहलाती स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अभी इसमें क्या वर्ड जुड़ा हुआ है? स्यूडो मतलब फॉल्स, मतलब जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं होता। देखो कैसा होता है समझना, देखो यहां पर अगर ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता तो ये ऐसा दिखाई देता ठीक है। अब ये होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, समझना बच्चों। कभी सेल को माइक्रोस्कोप में देखा है? माइक्रोस्कोप देखा है? कोई नहीं, चलो देखो हमने इन सेल्स को ऐसे बना दिया, अंडरस्टूड? यहां पर लेयर कितनी है सेल्स की? वन। जब आप सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको सेल का सिर्फ न्यूक्लियस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है हमें? ये डॉट दिखाई देंगे, यस और नो? ये डॉट नीचे है, ये कहां है, ये फिर कहां है, ये? अब देखो इस सेल में डॉट नीचे है, यहां ऊपर ठीक है। तो ये है तो सिंगल लेयर, बट जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो लगता है कि ये कैसी होगी। समझ में आई मेरी बात? मतलब ये होती नहीं है स्ट्रेटिफाइड, बट लगती है कि क्या है, इसलिए इसका नाम क्या है? अंडरस्टूड? अब याद रहेगा। देखो मतलब चाहे तुम 10th लेवल की बात करो, चाहे तुम 11th की बात करो, चाहे तुम नीट लेवल की बात करो, वहां पर ट्रेकिया पर बेस दो ही क्वेश्चन आते हैं। एक ट्रेकिया नॉन कोलेप्सिबल क्यों होता है और ट्रेकिया की लाइनिंग क्या होती है, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन नहीं आता। बट अगर हमें इन दोनों को समझना है, रटना नहीं है, तो हमें ये आना चाहिए। दीज आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट, समझ में आई मेरी बात? तो चीजों को रटोगे ना तो
तो शॉर्ट टर्म रहेगा, भूल जाओगे। चीजों को समझोगे ना तो थ्रू आउट द लाइफ याद रहेगा। अंडरस्टूड? तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कॉलमनर सेल्स हैं, सिंगल लेयर है बट एपियर होता है कि कैसा है, मल्टीपल लेयर। कैसा है, समझ में आई मेरी बात? लिखो इसमें, ट्रेकिया इज नॉन कोलैप्सिबल। ट्रेकिया इज नॉन कोलैप्सिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ट्रेकिया इज नॉन कोलैप्सिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट रिंग शेप्ड कार्टिलेज। इनकम्प्लीट रिंग शेप्ड कार्टिलेज और सी शेप्ड कार्टिलेज। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेकिया इज लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर ये पॉइंट? इसको बना लो, ओनली दिस वन, और चाहो तो इसको भी बना लो। सीलिया का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ। लाइफ में कुछ चीजें सीखो, जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा कि सीलिया का काम क्या है? हमें इंग्लिश आती है ना, हम बोल सकते हैं टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ। हमने क्या बोला? डस्ट पार्टिकल्स की एंट्री को रोकना। डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, इट्स ओनली अ डिफरेंस इन लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग। जब हम झांसी से बाहर निकलेंगे ना, मेट्रो सिटीज में पढ़ने जाएंगे ना कॉलेज में, ये डिफरेंस दिखेगा, तो वहां हम इंफीरियर फील करते हैं अपने आप को। अभी से हैबिट डालो इस चीज की, समझ में आ रही है मेरी बात? जहां पर भी जो भी वर्ड यूज करो, एटलीस्ट आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड होने चाहिए। ट्राई करो, चीजें आगे अच्छी हो जाएंगी, ठीक है ना? नहीं तो कभी भी कॉलेज में जाओगे ना, यहाँ खड़े करेंगे सेमिनार देने के लिए। हो गया ये? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो, ट्रेकिया डिवाइड इंटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइड इंटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रा। अगर हम अपने वर्टीब्रा में फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रा को देखेंगे पीछे से, तो उसी के लेवल पर आगे लंग्स डिवाइड होता है, ट्रेकिया डिवाइड होता है दो पार्ट। समझ में आई मेरी बात? एक चीज और सीखो, जैसे ये हमारी वेंट्रल सरफेस है, कौन सी सरफेस है? ये हमारी डॉर्सल, ये हमारी अपर, नहीं बोलते तुम्हारा एब्डोमन नीचे, ये सिर को थोरेसिक कहा, ये एंटीरियर पार्ट है, क्या है नीचे, कौन सा पार्ट होगा? पोस्टीरियर, क्या होगा? अरे वो तो रीजन होगा बॉडी के, हमारे थोरेसिक एब्डोमन, दैट इज डिफरेंट थिंग। हम अपनी बॉडी की लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये साइड कौन सी हो गई? वेंट्रल। पीछे कौन सा हो गया? पक्का?
ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा, साइड वाइज, लेटरल, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, याद रहेगा। आगे कौन सा पोर्शन, अरे बोलो, वेंट्रल, कौन सा, हम इसको एंटीरियर बोलते हैं, वेंट्रल है, क्या है, पीछे, ऊपर, इंटीरियर नहीं एंटीरियर, नीचे, पोस्टीरियर, क्या, और साइड वाइज, याद रहेगा। मतलब हमारा हार्ट कहाँ होता है, वेंट्रल, कहाँ होता है, वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होती है, अच्छा लंग्स कहाँ होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को जब बोलते हैं ना खांसी हो रही है, तो वो स्टेथोस्कोप कहाँ रखता है, पीछे, डॉर्सल साइड, बोलते हैं ना गहरी सांस लो, क्यों बोलता है, ही और शी चेक की जो आपका स्टेथोस्कोप में साउंड आ रहा है एयर ब्रीदिंग का, वो प्रॉपर है या बीच में म्यूकस का ब्लॉकेज है तो वो प्रॉपर नहीं है, तो वो लंग्स को कहां से चेक करता है, डॉर्सल साइड, समझ में आई मेरी बात, तो लंग्स को हम चेक करते हैं डॉर्सल साइड से, हार्ट को हम चेक करते हैं, क्लियर ये पॉइंट। तो ट्रेकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बोथ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, बोथ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एंटर इनटू द लंग्स, बोथ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एंटर इनटू द लंग्स, क्लियर ये पॉइंट। देखो बच्चों यहां पर देखो, ट्रेकिया डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट, ये कौन सी साइड है, हमने उस दिन इतना पढ़ा हम राइट लेफ्ट भूल गए, देखो ये राइट साइड है, कौन सी साइड है, क्योंकि जब भी हम ऑर्गन्स की बात करते हैं हम पेशेंट को लेकर चलते हैं, किसको लेकर चलते हैं, यस और नो, तो ये राइट साइड है और ये, क्योंकि पेशेंट हमारे सामने ऐसे होगा, तो ये पेशेंट का, ये, थैंक गॉड कुछ तो याद है, थ्री इडियट मूवी देखी है, yes, सबने देखी होगी, yes, कितनी कितनी बार, ठीक है, वहां पर एक पेटेंट डायलॉग था ना, क्या था वो, ऑल इज वेल, यस और नो, क्यों, जब जब वहां पर बेबी बॉर्न हुआ था तो उसने उसका ऑल इज वेल क्यों बोला था वहां पर, उसने उसको बॉडी को क्यों थपथपाया था, अरे अरे रुक जा एक एक करके, हाँ बोलो, हाँ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा डॉक्टर्स करते हैं, नहीं सीपीआर डिफरेंट थिंग है, सीपीआर तो जब आता है जब हम हार्ट अटैक पेशेंट को होता है या फिर वो अचानक से बेहोश हो जाए, दैट इज कॉल्ड सीपीआर। सीपीआर पता है क्या होता है, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, रीगर्जिटेशन, बैठो छोड़ो, हाँ बोलो, ऑल इज वेल क्यों बोला जाता है, जब जब फीटस मदर के यूट्रस में होता है तो वो जो भी ऑक्सीजन लेता है, CO2 लेता है, वो प्लासेंटा से लेता है, किससे लेता है, प्लासेंटा, समझते हो ना, अब सुनो, जैसे ही वो बॉर्न हुआ जब वो प्लासेंटा से ऑक्सीजन और CO2 लेता है
तो उस समय उसके लंग्स फंक्शनल नहीं होते, लंग्स वर्क नहीं कर रहे होते। लंग्स जैसे नॉर्मल बैलून का साइज होता है ना, वैसे रहते हैं। अब जैसे ही उसने बर्थ लिया, उसका प्लासेंटा कट किया, तो उसको मारा जाता है। अब गाल में तो मार नहीं सकते, पीठ थपथपाई जाती है या चेस्ट रीजन पे, ताकि वो रोए। जब वो क्राई करेगा तो उसके आवाज कहां से आएगी, जो एयर बाहर निकलेगी, यस और नो? मतलब उस टाइम पर उसके क्राई करने पर उसके लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए वो फर्स्ट क्राई होना जरूरी होता है। रोते हैं, अंडरस्टूड? क्लियर ये पॉइंट? वहां वो नहीं रोया था, इसी वजह से ऑल इज वेल हुआ था। अंडरस्टूड? ये नेचुरली होता है। ना ना, दैट किक मूवमेंट इज डिफरेंट। जब फीटस मदर के यूट्रस में होता है, तब फिफ्थ मंथ में फीटस का फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? तब जाके वो फर्स्ट किक लगती है, फिर तो वो मूवमेंट होता ही रहता है। फोर्थ फिफ्थ मंथ तक या फोर्थ मंथ तक मूवमेंट फील नहीं होता। इवन फीटस की आईज सिक्स मंथ के टाइम पर ओपन होती है, उसके बाद उसको दिखाई देना यूट्रस। यूट्रस इज द बेस्ट एनवायरमेंट फॉर द फीटस। यूट्रस से अच्छा एनवायरमेंट नहीं होता। प्लासेंटा है, तभी तो मैं बोल रहा हूं। चलो अब मेरी बात सुनो आगे ध्यान से। ये ब्रोंकाय है, समझना इस बात को। ये राइट लंग्स है। राइट लंग्स तीन पार्ट में डिवाइड होता है। हाउ मेनी पार्ट? लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब। सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, ठीक है? आगे सुनो। लंग्स आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज कॉल्ड प्लूरा। लंग्स और प्लूरा, इस प्लूरा में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। क्या होता है? हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड का काम होता है ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? उसको बंद कर। हाँ जी बोलो। फ्लूइड सबका नाम अलग अलग है, लेयर का नाम अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। क्लियर ये पॉइंट? हाँ, फ्लूइड भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर ये पॉइंट? कुछ नहीं हुआ, सुन लो आप। मैं सुनने पे आया ना तो रोग। प्लूरा द कवरिंग अराउंड द लंग, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड, दैट इज नोन एज। हर फ्लूइड का काम होता है जो उसके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्शन दिलाना। अगर बाहर से कोई शॉक लग रहा है, कोई प्रेशर लग रहा है, तो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना, उस शॉक को एब्जॉर्ब करना किसका काम होता है? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ब्रोंकाय है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिर ये दो और पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है? फिर ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है? ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इनको हम बोलते हैं
प्राइमरी ब्रोंकियोल, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकियोल एंड टर्शरी ब्रोंकियोल। प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल एंड ये टर्शरी ब्रोंकियोल फिर से डिवाइड करता है। अब ये वाला जो ब्रोंकियोल है वो कहलाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। क्या कहलाता है? और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आगे जाकर ओपन होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम नाम देते हैं एल्वियोलाय। क्या नाम देते हैं? इन ह्यूमन लंग्स मिलियंस नंबर ऑफ एल्वियोलाय आर प्रेजेंट, और एल्वियोलाय ही साइट होती हैं गैसियस एक्सचेंज। किसकी? नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ट्रेकिया से लेकर यहां से लेकर ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल, इस पूरे रास्ते में, इस पूरे पाथवे में कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट ये कॉलेप्स ना करे। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस और नो? अब देखो, सिर्फ रिंग कहां नहीं है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और क्योंकि यहां पर प्रेजेंट होती है एयर। क्या प्रेजेंट होती है? जो लंग्स होते हैं, क्या होते हैं? लंग्स। लंग्स में उनकी खुद की मसल्स नहीं होती, लंग्स में उनकी खुद की मसल्स नहीं होती। जब लंग्स में मसल्स नहीं होती तो लंग्स सिर्फ एक बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर है। अगर एयर अंदर प्रेजेंट होगी तो वो ओपन रहेगा, एयर नहीं होगी तो वो श्रिंक हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए इस पूरे पाथवे में ये श्रिंक ना हो, इसलिए क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेजेस। सुनना ध्यान से, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यहां तक के रास्ते को, नॉस्ट्रिल से लेकर यहां तक के रास्ते को हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। ये सिर्फ एयर को कंडक्ट करता है, लेकर आता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वियोलाय को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, क्योंकि यही वो पार्ट है जहां पर गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज। क्या होता है? तो नॉस्ट्रिल से लेकर टर्शरी ब्रोंकियोल कहलाता है कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वियोलाय क्या कहलाते हैं? रेस्पिरेटरी जोन। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी बोलो। ना ना, एल्वियोलाय वर्ड हम कई जगह यूज करते हैं, वहां पे भी एक सॉकेट है, खाली स्पेस है जिसमें टूथ फिट है, यहाँ पर भी एक स्पेस है जहां पर एयर प्रेजेंट। समझ में आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट कई जगह यूज होता है। क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड? ओके, इसको बनाओ, हेडिंग लिखो लंग्स, राइट डाउन इन दिस फर्स्ट पॉइंट, लिखो इसमें लंग्स आर द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर, लंग्स आर द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक चैम्बर, लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक चैम्बर। Write down next point. Lungs are covered by a protective layer. Lungs are covered by
अ प्रोटेक्टिव लेयर लंग्स आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड प्लूरा कॉल्ड प्लूरा लंग्स आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड प्लूरा। अब एक चीज और सुनो, सीखो यहां पर। हमारे बॉडी ऑर्गन्स के चारों तरफ जितनी भी कवरिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ प्लूरा है, तो यहाँ डायग्राम में तो मैंने आपको एक ही लेयर दिखाई है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। देखो कैसा होता है, जैसे ये लंग्स की बाउंड्री है, ये वाली, ठीक है, उसी से अटैच एक लेयर होगी, हाँ ठीक है, और थोड़े से डिस्टेंस पर दूसरी लेयर होगी। तो इन दोनों लेयर को मिलाकर हम बोलते हैं प्लूरा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, सुनना ध्यान से। जो आउटर लेयर होती है वो कहलाती है पैराइटल लेयर। क्या कहलाती है? जो इनर लेयर होती है वो कहलाती है विसरल लेयर। हमारे बॉडी में जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, दे आर कॉल्ड विसरा, दे आर कॉल्ड विसरल ऑर्गन। तो उनकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? और बाहर की लेयर कौन सी होती है? पैरिटल नहीं, पैराइटल लेयर। क्या होती है? देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, प्लूरा कंसिस्ट ऑफ outer parietal layer and inner visceral layer. Pleura consists of outer parietal layer and inner visceral layer. Write down next point. Pleura contain 4 to 5 ml of fluid. Pleura contain 4 to 5 ml of fluid called pleural fluid. Pleura contain 4 to 5 ml of fluid called pleural fluid. Likho next point. Pleural fluid act as a shock absorber. Pleural fluid act as a shock absorber and it protects lungs from outside pressure. It protects lungs from outside pressure. Clear this point. Likho next point. Right lung consists of 3 lobes, while left lung consists of 2 lobes.